तो योगी ने बड़ी बारीकी से अपने मंत्रियों का चुनाव किया है। मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है और यह साफ है कि योगी कैबिनेट में सवर्णों और पिछड़ों का पूरा संतुलन बनाने की कोशिश हुई है। लेकिन अगर किसी का कद बढ़ा है तो वो है नए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। बाहुबलियों के दलबल को जितने मंडिया में किया, जनता ने उस बुलडोजर को फिर से ताकत दे दी है। मैं आदित्यनाथ योगी इस बार की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी आदित्यनाथ ने बेहद सलीके से टीम बनाई है, जाति और धर्म का जबरदस्त संतुलन बनाया है। जरा पूरा हिसाब किताब देखिए, 22 मंत्री सवर्ण, 20 मंत्री ओबीसी वर्ग से, 8 एससी, 1 मुस्लिम, 1 सिख, 1 अनुसूचित जनजाति वर्ग के मंत्री बनाए गए हैं। जैसे बलिया से आने वाले दानिश अंसारी इकलौते मुस्लिम मंत्री यूपी में बने हैं, जिन्होंने इस बार मोहसिन रजा की जगह सीट हासिल कर ली है। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा के लिए, मुसलमानों की सेवा के लिए, नौजवानों के लिए ईमानदारी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे बहुत बड़े बड़े कमाल करने वाली है 2022 के बाद। प्राथमिकताएं हमारी स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, ये सब हमारी प्राथमिकताएं हैं और अपराधियों को मार के भगाना है उत्तर प्रदेश से। एजुकेशन स्कीम लाएंगे, स्कॉलरशिप स्कीम्स लाएंगे और रोजगार की स्कीम लाएंगे ताकि मुसलमान मेन स्ट्रीम में आ सके। अब सवर्ण मंत्रियों का हिसाब किताब भी देख लीजिए, 7 क्षत्रिय, 7 ब्राह्मण, 4 वैश्य, 2 भूमिहार, 1 कायस्थ और 1 खत्री को, यानी कुल 22 सवर्ण मंत्री बने हैं। ओबीसी वर्ग में 4 कुर्मी, 3 जाट, 2 निषाद और लोधी, कश्यप, गुर्जर, तेली, पाल, प्रजापति, मौर्य, यादव, राजभर और सैनी समाज से 1-1 मंत्री बनाया गया है। लेकिन मंत्रियों में किसी का सेंसेक्स चढ़ा है तो वो है बृजेश पाठक का। डिप्टी सीएम यानी नंबर 2 की हैसियत से बृजेश पाठक का रुतबा बढ़ा दिया गया है। उनके घर पर समर्थकों की भीड़ इसका सबूत है। यूपी में चुनावी मैच खत्म हो गया, बीजेपी ने 2022 का फाइनल जीत लिया है, लेकिन ये मुकाबला यहीं खत्म नहीं होने वाला। योगी की जीत बड़ी है तो जनता की उम्मीदें भी छोटी नहीं। उम्मीदों के इसी दरिया में योगी सरकार को आगे बढ़कर निकलना है। अभिषेक मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।